हेलो डियर स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट टूडेज क्वेश्चन एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज मतलब एक कनकेव मिरर थ्री टाइम्स लार्ज साइज की इमेज बनाता है मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थ्री टाइम्स बड़ी इमेज बनाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेसड एट टेन सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट मिरर के सामने दस सेंटीमीटर दूर वेयर इज द इमेज लोकेटेड इमेज कहां पर लोकेटेड है यानी आपको यहां इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है क्लियर तो चलिए करते हैं स्टार्ट देखिए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस थ्री टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज या थ्री टाइम्स लार्ज इमेज यानी बेटा आपको यहां मैग्नीफिकेशन एम की वैल्यू गिवन है थ्री क्लियर क्योंकि इमेज रियल है रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड होती है इसलिए माइनस आएगा यहाँ पर क्लियर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कितनी दूरी पर रखा गया दैट इज टेन सेंटीमीटर बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है इसीलिए माइनस टेन सेंटीमीटर आप यूज करेंगे क्लियर क्वेश्चन में पूछा गया है इज़ द इमेज लोकेटेड वी हैव टू फाइंड आउट द वी इमेज के डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं अब देखिए आप फॉर द मिरर एम की वैल्यू क्या होती है एम इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू क्लियर इट मीन्स माइनस वी अगर हम यहां पर इस एम को मल्टीप्लाई कर दें यू के साथ तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस ऑफ वी क्लियर अच्छा अब आप यहां पर चेक कीजिए देखिए अगर मैं एम की वैल्यू पुट करता हूं एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस थ्री माइनस थ्री और यू की वैल्यू हमारे पास है माइनस टेन तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा माइनस ऑफ वी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा दैट इज थर्टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी अब ये नेगेटिव साइन को हम राइट साइड लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस थर्टी सेंटीमीटर दिस इज द वैल्यू ऑफ द वी मीन्स इमेज इज फोर्म्ड एट थर्टी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मीर क्लियर लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी नेगेटिव साइन है विच इंडिकेट दैट इमेज इज फोर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीर क्लियर सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ठीक है बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे